हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कि रिपीटेड रूट्स के अंदर अगर पार्ट्स एंड फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ पार्ट्स एंड फ्रैक्शन और नॉन रिपीटेड रूट्स, जिसका लिंक यहाँ पर ऊपर फ्लैश हो रहा है, जहाँ पर आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें। तो चलिए आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिपीटेड रूट्स इन पार्शियल फ्रैक्शन। तो रिपीटेड रूट्स अगर आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन आ गया एक्स प्लस थ्री अपॉन x प्लस फोर और x प्लस फाइव का होल स्क्वायर, तो इसके अंदर हमारे को फाइंड आउट करना है कि भाई कांस्टेंट की वैल्यू कैसे होगी। तो पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो a अपॉन x प्लस फोर प्लस b अपॉन x प्लस फाइव प्लस c अपॉन x प्लस फाइव का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पहले क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पावर क्या थी, वन थी, जिसके अंदर नॉन रिपीटेड का केस है, और यहाँ पर पावर कितनी है, दो है, तो यहाँ किसका केस हो गया, रिपीटेड का। अब हम अगर शॉर्ट ट्रिक मेथड से इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो नॉन रिपीटेड है उसको अपन फोकस करते हैं। तो नॉन रिपीटेड कौन है, x प्लस फोर। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यू के लिए हम x प्लस फोर को बराबर कर दिया जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस फोर। अब ये जो x इक्वल टू माइनस फोर आया है, ये हमें कहाँ पुट करना है, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसमें x प्लस फोर वाले फैक्टर को हमें यहाँ से एलिमिनेट कर देना है। तो x प्लस फोर वाले फैक्टर को अगर एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ये चीज बचेगी। इसके अंदर हमें पुट करना है x इक्वल टू माइनस फोर। तो माइनस फोर प्लस थ्री अपॉन माइनस फोर प्लस फाइव का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, माइनस वन। यहाँ पर भी आएगा वन, तो वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वन। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस वन। तो ये हमारा पहला काम हो गया। सेकेंड वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं c की। क्यों, क्योंकि c जो है वो ओरिजिनल फंक्शन का एक पार्ट है। ये ओरिजिनल फंक्शन का पार्ट नहीं है, ये मेथड का पार्ट है जिसके थ्रू हमने इसको लिखा है। तो c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि c के नीचे हमने क्या लिखा है, x प्लस फाइव का होल स्क्वायर। तो x प्लस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। होल स्क्वायर को अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तरह से माइनस फाइव। तो x इक्वल टू माइनस फाइव हमें क्या करना है, इस वाले फंक्शन में रखना है, मेन फंक्शन में, बाय रिमूविंग x प्लस फाइव का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फंक्शन क्या रह जाएगा अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो x प्लस थ्री अपॉन x प्लस फोर। अब इसमें हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू माइनस फाइव। तो माइनस फाइव प्लस थ्री अपॉन माइनस फाइव प्लस फोर। तो माइनस फाइव प्लस थ्री कितना हो गया, माइनस टू, और माइनस फाइव प्लस फोर कितना हो गया, माइनस वन। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, c की। तो ये c की जो वैल्यू आई है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं हम b पर। तो b की वैल्यू, क्योंकि रिपीटेड का केस है, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू जीरो इन एंटायर इक्वेशन। एंटायर इक्वेशन से हमारा मतलब है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसके अंदर पूरी इक्वेशन में x इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या रहेगा, देखो जीरो प्लस थ्री अपॉन में क्या रहेगा, जीरो प्लस फोर, जीरो प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ये तो बात होगी लेफ्ट हैंड साइड की। इक्वल टू में क्या लिखा है हमने, a, a की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है, माइनस वन। तो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस फोर कितना आ जाएगा, फोर। b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, नीचे हो जाएगा फाइव। c की वैल्यू क्या आई हमारे पास, टू आई है। तो टू अपॉन जीरो प्लस फाइव का होल स्क्वायर, यानी फाइव का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव। अब यहाँ कितना रहेगा, देखो तीन अपॉन फोर, और यहाँ कितना रहेगा, ट्वेंटी फाइव, माइनस वन बाई फोर, बी बाई फाइव, प्लस टू बाई ट्वेंटी फाइव। अब सबको हम एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो बी बाई फाइव को एक तरफ रखा, इसको उधर लेके गया, तो थ्री अपॉन ये कितना हो गया, हंड्रेड, प्लस वन बाई फोर, प्लस सॉरी माइनस टू अपॉन ट्वेंटी फाइव। ये इधर आके माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, हंड्रेड, हंड्रेड एलसीएम आएगा, यहाँ कितना रहेगा, थ्री, यहाँ कितनी बार जाएगा, ट्वेंटी फाइव टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वेंटी फाइव, यहाँ कितनी बार जाएगा, फोर बार, फोर इंटू टू कितना हो जाएगा, एट। तो ये कितना हो गया, देखो ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट में से एट गया तो ट्वेंटी अपॉन
100 और इधर कितना चल रहा है b by 5, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 5 से 5 अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो b की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और c की वैल्यू। तो फाइनल आंसर हमें कैसे लिखना है, -1 अपॉन x plus 4, a की वैल्यू -1 थी, b की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन x plus 5, c की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 अपॉन x plus 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, किस केस में, रिपीटेड केस में। तो इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंट करना है किस तरह से लिखा जाता है, उसके बाद ओरिजिनल फंक्शन है जो पार्ट है डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम, x plus 4 और x plus 5 का होल स्क्वायर, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है जो जिसके नीचे लिखा हुआ है। जैसे x plus 4 a के नीचे लिखा हुआ है तो पहले हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और x plus 5 का होल स्क्वायर हमने c के नीचे लिखा है तो पहले हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जिस कॉन्स्टेंट के नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको इक्वल टू 0 करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और वो x की वैल्यू हमें पुट करनी है ओरिजिनल फंक्शन में, और उससे पहले हमें उस फैक्टर को वहां से एलिमिनेट कर देना है जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जो फंक्शन बचता है उसके अंदर हमें वैल्यू x की पुट करके a और c की वैल्यू डायरेक्ट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। b की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, जो हम प्रेजेंट करेंगे फंक्शन के इक्वल टू में कॉन्स्टेंट की टर्म में, जैसे हमने उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया है, उस पूरी इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम 0, और x इक्वल टू 0 जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी b की। तो इस तरह से रिपीटेड रूट्स के अंदर हम कॉन्स्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय शॉर्ट ट्रिक मेथड। ठीक है, थैंक यू।